सभी प्यार से बोलें ओम शांति। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है तो कृष्ण की जन्माष्टमी के विषय में क्या बताते हैं। कहते हैं कि श्री कृष्ण जो है मक्खन चुराते थे, उन्होंने चीर हरण किया, उन्होंने जो है गाय चराई, उन्होंने जो है रास किया। तो वास्तव में क्या है इसका रहस्य? वास्तव में रहस्य है उन्होंने चीर हरण कौन सा किया, यो देह हो देह के संबंधों को भूलकर एक की याद में रह करके अपने जीवन को पार किया। मक्खन चुराया, ये ज्ञान का मक्खन चुराया था। ज्ञान का मक्खन चुराने से व्यर्थ खत्म हो जाता है। जब सार बुद्धि के अंदर है आपके अंदर, तो व्यर्थ की बातें भूल जाती हैं। और कृष्ण क्या थे, वहाँ तो समझो दूध दही की नदियाँ बहती थी, वो मक्खन क्या चुराएंगे। कितनी गायें थी कृष्ण के पास, कितनी गायें चराते थे, लेकिन वो मक्खन क्या चुराएंगे, उन्हें चोर बता दिया। ग्वाल गोपियाँ जो है शिकायत करती थी कि कृष्ण जो है हमारे घर में आके मटकी फोड़ जाते हैं, मक्खन चुरा लेते हैं, यशोदा जी से शिकायत करती थी। तो वास्तव में इस समय जो परमात्मा का ज्ञान है, हम सभी आत्माएं सुन करके दूसरों को भी सुनाते हैं, सबके मुख पर ये मक्खन लगा देते हैं। ये मक्खन प्यारा लगता है, और इसलिए आज के दिन का विशेष महत्व है। श्री कृष्ण का जन्म हुआ वैसे ही क्या है, वैसे ही ये सब ये दुख अशांति रोग शोक जितने भी कष्ट हैं वो सब आत्मा के अंदर से निकलते जाते हैं। हमारे अंदर जितना योग होगा ज्ञान होगा उतने हमारे अंदर के कष्ट दूर होते जाते हैं। हमें जीवन में किसी न किसी का सहारा चाहिए ना, तो सहारा एक परमात्मा के सिवाय किसका है, सोचो किसका सहारा है। आज जिसका सहारा पकड़ते वही सहारा छोड़ देता है। इसलिए सच्चा सतगुरु, सच्चा जो है टीचर, सच्चा पिता वही एक है। उसकी याद में रह करके जो अपने जीवन को सुखी बनाते हैं, वो सुख कभी भूल नहीं सकता। इसी सुख का ज्ञान है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। तो अतीन्द्रिय सुख कौन सा, जो इंद्रियों से परे का सुख। इंद्रियां जो है अपने विषय की तरफ भागती हैं, ये आँख है देखने का काम करती, कान सुनने का काम, मुख बोलने का काम करता है। हर इंद्रिय अपना अपना कार्य करती है, लेकिन ये इंद्रियों को क्या बनाना है हमको, कमल समान पवित्र। इसलिए देवताओं के अंगों की उपमा करते हैं, कमल नयन कमल हस्त कमल पद, है ना, कि उन्होंने संसार में रहते हुए फिर भी संसार से निर्लिप्त रहे। हम लोग भी आए थे, भगवान ने भेजा था कि भजन करना निर्लिप्त रहना, लेकिन हम लोग लिप्त हो गए संसार में, ऐसे मोह माया के कीड़े बन गए जो कि हम अपने भी फंसे दूसरों को भी फंसा देते हैं इस मोह माया में। इसका कोई पार नहीं पाया जा सकता है, इतना दुख है संसार में। और जो दुनिया वाले हैं उनसे पूछो कैसे बेचारे रहते होंगे। आप लोग तो बहुत अच्छे हो जो कि बाबा की पढ़ाई पढ़ते हो, ज्ञान योग सीखते हो, आपका पूरा जीवन ही इसी में चला जाता है, उनका कहना ही क्या है। और जो अपने जीवन को व्यर्थ कमाते हैं, कहते हीरा जैसा जन्म, कहते ना बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य से मानव का चोला मिलता है साधन धाम मोक्ष के द्वारा। ये परमात्मा को पाने का उपाय है इस शरीर के द्वारा, मोक्ष प्राप्त करने का समय है। कहते न सो कलत्र दुख पावही सिर धुन धुन पछताए, काले कर्मी ईश्वरी मिथ्या दोष लगाए।
सो कलत्र दुख पावे। जब समय चला जाता ना तब कहते हैं कि अरे हमने अपना समय को व्यर्थ गवा दिया, फिर पछताने से क्या होता है। इसलिए हमें अपने जीवन को, लाइफ को बड़े प्यार से, उमंग उत्साह से, बहुत अच्छी तरह से चलाना है। अभी नहीं चलाया तो फिर कब चलाएंगे, क्योंकि ये लाइफ जो है बहुत प्यारी लाइफ है। कितना भी पैसा खर्च करेंगे ना फिर भी ये लाइफ नहीं मिलेगी। ये लाइफ की कोई कीमत नहीं है, है ना। जैसे भगवान ने आपको अपना बनाया, भगवान ने आपको अपनाया है। भगवान से क्या मांगा था आपने? भगवान से मांगा था अपने चरणों में जगह दे दो, लेकिन उसने दिल में बसा लिया आपको, उसने दिल में बसा लिया ना। हाथ उठाओ सभी ने कि सभी दिल में बसे हैं भगवान के, हैं? भगवान के थोड़े लोग दिल में बसे हैं, सब बाकी सब क्या है, माया में बसे हैं, ऐसा कहें। सभी दिल में भगवान के बसे हैं ना, तो जो भगवान के दिल में बसा होगा उसे क्या है, उसे क्या कमी होगी, कोई कमी नहीं। इसलिए आज जो है विशेष दिन है, आज हम कृष्ण के मिलन मनाते हैं। कैसे हम दुख के दिनों को, दुख की दुनिया को भूलकर सुख की दुनिया में जा रहे हैं, उसी के लिए संगम पर बैठ करके हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं। ये पढ़ाई इतनी ऊंची है, पढ़ाने वाला कितना ऊंचा है, ये पढ़ाई भी और माया से लड़ाई भी गुप्त है, और चढ़ाई भी गुप्त है और कमाई भी गुप्त है। किसी को क्या पता आप किस लिए ये जीवन लगाए हुए हैं, क्यों यहाँ पर आए हैं, क्या इस बिल्डिंग में क्या कर रहे हैं, कोई क्या जाने। आपको रास्ता चलते लोग समझते कहीं जा रहे होंगे, कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है, लेकिन जिसकी लगन है वो वहीं जाता है मंजिल की तरफ। कहते ना सफर सफर जो है तय हो जाता है, तय तब हो जाता है जबकि हम चलने का हौसला रखते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों का क्या करते हैं, रास्ता भी इंतजार करते हैं। ऐसे लोगों के लिए रास्ते अभी का रहता है, क्योंकि आप बहुत ऊंचे सफर में जा रहे हैं, बहुत ऊंची मंजिल में जा रहे हैं। इसलिए देखिए क्या है, महान व्यक्ति हैं, जो अच्छे व्यक्ति हैं उनको सब लोग चाहते हैं। जो आपसे कोई ईर्ष्या नहीं रखते, क्रोध नहीं रखते, कोई विकार नहीं उनके अंदर है, वो सोचते हैं हम जैसे निर्मल हैं हमारी तरह सारे संसार ऐसा है, है ना। और भगवान को ऐसे व्यक्ति प्यारे लगते हैं। कहते हैं ना निर्मल जन मन सोई मोई पावा, मोय कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को ऐसे व्यक्ति क्यों प्यारे लगते हैं, क्योंकि इनके अंदर कोई द्वेष नहीं है, किसी प्रकार का बैर भाव नहीं, किसी प्रकार का कोई अहंकार नहीं। तो ऐसे व्यक्ति जो है अच्छे लगते हैं। वैसे भी देखो कहते हैं ना संसार में सबसे ताकतवर चीज क्या होती है पता है? लोहा। और लोहे से भी ताकतवर चीज क्या होती है पता है? आग, जो उसे जला देता है। और आग से भी ताकतवर चीज क्या होती है? पानी, जो उसे लोहे को बुझा देता है। पानी से भी ताकतवर चीज क्या होती है? मनुष्य, जो उसे पी जाता है। और मनुष्य से भी ताकतवर चीज क्या होती है? मनुष्य से भी ताकतवर चीज क्या है? मौत, जो मनुष्य को छोड़ते नहीं। और मौत से भी ताकतवर चीज क्या है? दुआएं, जो मौत को भी टाल देती हैं। तो हम ऐसे कर्म करें जो हमारी मौत भी टल जाती है। ये ज्ञान योग का रास्ता ऐसा है
जो हमारे सभी बिगड़े काम को बना देता है, लेकिन हमें सफ़र में चलते समय जो ना अनेक कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन हम कभी हिम्मत नहीं हारते। हिम्मत कौन नहीं हारता? जो शूरवीर होगा ना, जो भगवान के प्रति लगन वाला नहीं सकता है इस मार्ग में, उसके पास भले ही कुछ ना हो लेकिन भगवान का प्यार उसके दिल में, उसी प्यार में सारे संसार खोज रहा है उस प्यार को, वो प्यार उसको मिलना नहीं, कोटों में कोई कोई में भी कोई को मिलता है। इसलिए कहते ना, ये जो जीवन है वो बहुत प्यारा जीवन है, इस प्यारे जीवन को कैसे चलाना है, ये नहीं कि जीवन खत्म हो, पहले से ही लगना है। कहते ना, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, क्षमा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, मन की मशीनरी ने तब ढंग से चलना सीखा जब तन के एक एक पुर्जे पर जंग आया, और सिमरण का समय नहीं निकला फुर्सत के वक्त, प्रभु से वक्त तब मांगा जब वक्त तंग आया। जब समय खराब आता है तब सारे रास्ते बंद होते हैं, लेकिन ईश्वर का रास्ता एक खुला रहता है। इसलिए अगर हम पहले से ही ईश्वर का ध्यान करना सीख लें, ईश्वर के लगन लगाना सीख, तो ईश्वर के पास ही है, तो पहले से क्यों नहीं अपना रास्ता बना लेते हैं? क्योंकि बहुत सी चीज़ें हमको बिना मांगे ही मिलती हैं। जैसे आप बर्फ़ के पास जाएंगे तो ठंडक की महसूसता होगी अपने आप ही, आप अग्नि के पास खड़े होंगे तो आपको गर्माहट की महसूसता होगी, गुलाब जहाँ रखा होगा वहाँ से सुगंध की महसूसता आएगी। इसी तरह से परमात्मा से अगर हम निकटता बना लें, परमात्मा से संबंध जोड़ लें, तो बिना मांगे ही हर चीज़ मिलने लगेगी। आज हम मांगते शांति मिले, प्रेम मिले, सुख मिले, भगवान का प्यार मिले, भगवान की एक झलक मिल जाए, तो कैसे मिलेगी? उससे निकटता बनानी पड़ेगी ना, नज़दीक जाएंगे, उससे लगन बढ़ाएंगे तो क्या होगा, बिना मांगे सब कुछ मिलने लगेगा, क्योंकि सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है, और ईश्वर जो है हमें जब देता है तो क्या देता है, छप्पर फाड़ के देता है, अलग नहीं है, हर चीज़ जो है बेजानदार चीज़ें हैं सब ईश्वर की दी हुई हैं। अब हम उसको कह देते ये मेरा है तो नहीं है मेरा, लेकिन हम आदत पड़ गई है ये मेरा है, ये मकान मेरा है, ये पति मेरा है, ये बच्चे मेरे, मेरा कहने की आदत पड़ गई। लेकिन जब जाता है इंसान तो अकेले ही जाता है, पति साथ नहीं देता है, बच्चे साथ नहीं जाते, मकान साथ में नहीं जाता है, क्या जाता है आपके साथ में, कुछ जाता है? लेकिन कहते ये मेरा है, ये मेरा है, लेकिन पहले से ही आदत बन जाए सब कुछ ईश्वर का है। बहुत से लोग कहते सब तेरा है, सब तेरा सो मेरा, मेरा सो मेरा, ऐसे कह देते हैं, वो भी ठगी करते हैं अपने साथ। वास्तव में जो भी चीज़ है भगवान की जब दी हुई है, भगवान ने सब दिया है, तो उसमें क्यों हम अपना ममत्व फंसाते हैं? ये तन मन धन कहते ना तेरा मेरा, अर्पण करते कहाँ हैं? अगर अर्पण करें तो फिर वो खुशी उमंग उत्साह रहे। कोई भी चीज़ हम दान करते हैं ना, अर्पण करते हैं, तो क्या होगा, वो फिर प्रभु का प्रसाद बन जाता है। इस मन में और बातें नहीं ठहरेंगी, ये बाचा से गलत नहीं बोलेंगे आप, है ना, कर्मणा में कोई गलत बात नहीं आएगी। ये सब चीज़ें जो हैं सीखने की होती हैं, इसे प्रैक्टिकल करने का होता है ज्ञान में। जब प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको नंबर बढ़ते जाएंगे, देखना आप दिन दिन रात चौगना आगे बढ़ते जाएंगे। वैसे कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल,
मतलब नेकी करो, दरिया में डाल दो, भूल जाओ जो हम किसी के साथ उपकार करते हैं उसे भूल जाना चाहिए। हम दूसरों के लिए जी रहे हैं, अपने लिए नहीं जी रहे हैं। यही क्या है, यही तरीका है जीने का है? तो बहुत से मनुष्य तो ऐसे ही अपना जीवन गंवा देते हैं। कहते तूने रात कमाई सोए के, दिवस कमाया खाए के, हीरा जन्म अमोल है कौड़ी बदले जाए। इसलिए हमको कैसे ईश्वर की तरफ बढ़ करके अपने जीवन को सफल करना है। ओम शांति।